नए कूड़े के लिए तो उन्होंने कहा नियम बाद में बनाऊंगा मैं, साथ साथ पुराने कूड़े को उन्होंने सेग्रीगेट करना शुरू करा। उसमें प्लास्टिक थी, प्लास्टिक तो गलती नहीं है, 200-250 साल तक नहीं गलती प्लास्टिक, प्लास्टिक अलग करी, प्लास्टिक को अलग करा, जो उसमें अंदर जो बोतलें थी उन सबको अलग करके, उसको अलग करके वो जो बनता आज भी हमारे दिल्ली में भी हो रहा है, बहुत सी जगह पर हो रहा है, उसको बोलते हैं, उस कूड़े को बोलते हैं RDF, रिफ्यूज ड्रिवन फ्यूल। प्लास्टिक वगैरह जो होती है इसको कॉम्पैक्ट करके इसके पैलेट्स बना दिए जाते हैं, और इन पैलेट्स का इस्तेमाल होता है आपका आपकी स्टील इंडस्ट्री होगी या पावर इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर उसको भट्टी के अंदर डाल सकते हैं, उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो आपका किचन विचन का वेस्ट था, मिट्टी थी, इस सब को उन्होंने अलग करके इसकी कंपोस्टिंग करी। आज जो जगह जहाँ पर पहले कूड़े के पहाड़ थे, आज उस जगह को उन्होंने गोल्फ कोर्स बना दिया इंदौर के अंदर। अब क्या इंदौर में समस्या हो गई है, इंदौर में अब कूड़ा जो है वो डंपिंग तक जाता ही नहीं, कूड़ा इतना पैदा ही नहीं होता वहाँ पर कि जो है वो आपका गाड़ी कोई जो बड़ा टैंकर लेकर के कहीं पर डंप करने जाए, थोड़ा बहुत कूड़ा है उसके लिए डंपिंग यार्ड बना रखा है। तो वहाँ उन्होंने क्या करा, ये जो समस्या है जो ये पानी की कूड़े की जो समस्या है, ये हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं कि सरकार भी कुछ नहीं दे रही है, मैं कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार की नहीं कहता, कोई भी सरकार है, सरकारें अपने लेवल पर प्रयास करती है, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, लेकिन उसमें क्या है इम्प्लीमेंटेशन की समस्या आती है ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो है। और ये सारे खेल जो है ये है हमारे व्यवहार के, सारे सोशल लेवल के खेल हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के खेल हैं। अवेयरनेस अगर हमारे अंदर है तो हमारा कॉलोनी अभी इमीजिएटली आज शाम तक ये साफ हो जाएगी, कॉलोनी में कल से कूड़ा नहीं होगा अगर अवेयरनेस हमारे अंदर। अगर अवेयरनेस नहीं है तो सरकार अगर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लगा देगी वो सब बेकार है, उनका कोई यूटिलिटी नहीं है। आज अगर मान लीजिए मैं अपने घर से थैली निकाल के कूड़ा घर में फेंक दूंगा तो किसकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी, वो सरकार उसमें किस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इंदौर शहर ने क्या करा कि कैपेसिटी बिल्डिंग में और आपके अवेयरनेस में उन्होंने करीबन आप मान के चलो पूरे भारत के अंदर हर बड़े से बड़ा शहर छोटे छोटा शहर सबसे ज्यादा करीबन उन्होंने 5 साल में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करा सिर्फ अवेयरनेस में, सिर्फ कैंपेनिंग की, लोगों को घर घर जाके बताया कि साहब देखो आप कूड़े को सेग्रीगेट करो, कूड़ा आप उसकी आदत मत डालो, थैली में बांध करके, एक आजकल लोग चले ना काले गार्बेज बैग, बड़े फैंसी बैग घरों में, हाँ जी हम तो जो साहब बैग खरीद के लाते हैं उसमें कूड़ा डालते हैं गांठ लगाई और ये फेंक दिया, नहीं आप उसमें कूड़ा गांट लगा के फेंक देंगे उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कूड़ा वो वही सड़ता रहेगा उसमें, और वो कूड़े का ढेर इतना बड़ा बना ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम उसको क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कूड़ा है, जो हमारी किचन का कूड़ा है उसको हम कंपोस्ट, किचन का कूड़ा आप मान के चलो आपके घर के सारे कूड़े का 50% होता है, सारे कूड़े का 50% कूड़ा आपका किचन का होता है, बाकी आपके जो है जो सैनिटरी आइटम्स हो गए, बच्चों के डायपर्स वगैरह, छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं वो सब कूड़ा वो आपका मानते हैं वो कूड़ा होता है, वो वास्तव में कूड़ा है, लेकिन उसके डिकम्पोजिशन के लिए तो हम बहुत आगे अभी बहुत पीछे, उस तक तो पहुँचने की कहानी हमारी बाद में शुरू होगी। तो सेग्रीगेशन इंदौर में, सेग्रीगेशन उन्होंने अपने घर पर शुरू करा, इंदौर में जाता रहता हूँ, इंदौर में अभी भी आप अगर कभी जाना हो इंदौर में तो वहाँ पर एक छोटा एक बाजार है, सराफा बाजार बोलते हैं उसको, और इंदौर का सराफ नेट पर खूब वीडियो है उसके यूट्यूब पर दुनिया भर के आप देखेंगे, तो सराफा बाजार इसलिए ये नहीं बताएंगे वो वीडियो में कुछ और बताएंगे, वीडियो में क्या दिखाएंगे कि वहाँ पर बाजार लगता है रात को 9 बजे, दिन में ज्वेलरी का मार्केट है वो सराफा बाजार, पूरा ज्वेलरी का मार्केट है इंदौर में, और रात को 9 बजे से वहाँ लगता है खाने का बाजार, वो अकेला मैंने शहर बाजार ऐसा देखा जिसमें रात के 9 से सुबह के 4 बजे तक बाजार लगता है चाट पकौड़ी का, और पब्लिक आके खाती है वहाँ पर। आप यहाँ पर हो सकता है रोड पर किनारे पर खड़े हुए गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ साफ सफाई सबसे आप सब जाते हैं वहाँ पर जो है रात को बाजार में घूमते हैं, रात के 12-1 बजे तक चाट पकौड़ी, जो समोसा घराड़ू चाट और ये पोहा वोहा जो भी आपका मध्य प्रदेश का जो भी विशेषता है सब मिलता है। तो वहाँ पर जब आप खाना खाते हैं, जब भी कुछ आप लेकर के खा रहे होंगे, तो जो दुकानदार है विक्रेता वो आपके ऊपर वो समझ जाता है कि बाहर का आदमी है, तो उसका लड़का कोई दुकान वाला या वो खुद जो है आपके ऊपर नजर रखता है, मेरे साथ हुआ, तो जैसे ही खाना आपका जो खत्म होने वाला होता है थोड़ा सा रहता है वो आपको बता देगा भाई साहब गीले कूड़े का डब्बा वो रखा है, आप यकीन नहीं करेंगे, जरा वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको रात के 12 बजे जाओ 2 बजे जाओ आपको एक लकड़ी की चम्मच जो है ना स्टिक एक आपको चम्मच जमीन में पड़ी नहीं मिलेगी, सिंगल चम्मच, 2 चम्मच नहीं सिंगल चम्मच कह रहा हूँ आपको। तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है झाड़ू लगा रही है वहाँ पर जो है लड़के लगा रहे हैं, नहीं हमें अप्रोच अपनी बदलनी है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि नहीं सरकार को जो है हमारे को 25 गाड़ियाँ दे और ये दे और सफाई करने वाले दे तब हमारा शहर साफ होगा, नहीं हम दूसरी तरफ से इसको लेते हैं, हम क्या हम देंगे ही नहीं पूरा बात करोगे जरूरत नहीं पड़ेगी साफ करने की। तो वहां लोगों में क्या है अवेयरनेस इतनी है आजकल, उस लोग ना अपने आपके प्राइड को वहां जोड़ते हैं, इंदौर में आप किसी गली में चले जाओ लोग अपने अपने आप को अपने शहर को उस सफाई से जोड़ते हैं कि हमारा शहर इंदौर जो है देश का सबसे पहला शहर है, अब ये सेकंड ना हो जाए साफ, तो लोग प्राइड महसूस करते हैं, आपको खुद से बताते हैं कि हमारे क्या अवेयरनेस के प्लान है, मतलब हम लोग कैसे कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है मैं ये नहीं कहूँगा आज भी कि प्लास्टिक बंद कर दें, हम कर नहीं सकते। अब जैसे एग्जांपल पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुई तो आपको जो फ्रूटी आती थी फ्रूटी कागज का फॉक आने लगा उसमें जो पाइप होता है ना पीने का वो आधा तो गल जाता था आधी खत्म होती है। तो भाई लोगों ने कहा हाँ जी प्लास्टिक की जगह कागज का फॉक आ गया लेकिन वो कागज का जो था वो पैक तो प्लास्टिक के ऊपर नहीं होता था वो प्लास्टिक का क्या करना।
कुरकुरा आता दुनिया का, आप प्लास्टिक चलो बैन कर दो, दुनिया के कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, चिप्स हो गए, दुनिया भर का पैकेट, इस प्लास्टिक का हम क्या करें? तो कहने का मतलब है कि हम इसको तो प्लास्टिक हमारा जो है प्लास्टिक का हम रिडक्शन करें, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करना। मैं अब यहाँ जरूरत नहीं लाने की, एक घर में जो है मेरी माता जी ने रीयूज करने के लिए मेरी पुरानी चीज थी उसका एक थैला बना रखा है, जैसा आपने जो था ना जो आजकल JNU में जनरली जो बच्चे लेकर के चलते हैं उस तरह का। तो मैं घर से जब निकलता हूँ वो थैला मेरे शोल्डर पर रहता है, मुझे जो सामान लाना है, सब्जी लानी है, जो लाना है उस थैले में आ जाता है आ करके। तो अपना आदत डालें कि हम घर से कहीं निकले तो एक थैला जो है कपड़े का साथ में लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हमें बताना नहीं कि हम पेंसी हैं क्या है, वो सब कर सकते हैं। प्लास्टिक में तो बात मैं इतनी खत्म करूँगा।